आपका चैनल फ्रिज हो गया है तो और ये यूट्यूब के नंबर ये सभी फ्रिज हो गया है, तो आप कोई भी कंटेक्ट किसी भी प्रकार की ट्रिक लगा लोगे तो ये अनफ्रिज नहीं होगा, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से हुआ है। आपको क्या करना है, इसको करने जैसे आपका वीडियो में व्यू आ रहा है 10-12 व्यू आ रहा है और फिर क्या होगा, अपन ने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 0 व्यू आएंगे। इस पर ध्यान देना जरूरी है, अनफ्रिज करना जरूरी है। आप सोचोगे अनफ्रिज कैसे करेंगे, जब यूट्यूब के द्वारा हुआ है तो आपको कुछ गलतियां नहीं करना जिससे कि आप अनफ्रिज करना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका चैनल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे आप डेली वीडियो डाल रहे हो तो डेली वीडियो डालो, जिसमें कि जैसे कि आप एक दिन छोड़ के नहीं डालना, कभी डेली डालते हैं तो डेली वीडियो डालना, ये लगातार वीडियो डालें। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका चैनल अनफ्रिज नहीं हो पाएगा और आपको चैनल हमेशा कम व्यू आएंगे, तो आप सोचो कि ये कम व्यू क्यों आ रहा है, मगर ऐसी गलती ना करें। और लगातार डाल मिक्स कंटेंट कभी ना डालें। आप क्या करते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो कभी अपन ने किचन का डाल दिया, कभी डांस का डाल दिया, कभी म्यूजिक का डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मगर आप अगर आपने ये ट्रैक बता रहे हो तो आप उसी का डालिए, जिससे कि आपका ऐसी गलती मैंने भी करी थी, जिससे कि क्या हुआ था अभी तक इसमें बहुत टाइम लग गया था फिर होने पर, क्योंकि पहले किसी को आता नहीं है, फिर धीरे धीरे जब सीख जाते हैं, जब उनको खूब अनुभव हो जाता है, मैंने 3 साल इसलिए लग गए थे इस वीडियो में, अब मेरा चैनल में सुधार हुआ है। ऐसी मैंने ये गलतियाँ करी हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप अगर आपको ऐसा डालना है अलग अलग कैटेगरी के, तो आपको क्या करना है, 2-3 चैनल बना लीजिए, फिर उसमें आप अलग अलग कैटेगरी के डाल सकते हो, एक ही चैनल में मिक्स कंटेंट नहीं करना चाहिए। वीडियो डेली डालें, वीडियो जैसे अपन डेली डालना है, एक वीडियो रोज डालना है तो रोज वीडियो एक डालना चाहिए और डेली डालें। ये नहीं कि आज डाल दिया कल नहीं डाला, परसों नहीं डाला और एक दो तीन दिन छोड़ कर डाला, फिर अपन ने दूसरे के वीडियो देखे किनके डाला, फिर अपन उनको देख के फिर उत्साह बढ़ा, फिर डालने लगा। ये गलती नहीं करना, डेली डालना है तो डेली ही वीडियो डालिए, लगातार वीडियो डालिए। वीडियो को कभी डिलीट नहीं करना चाहिए, जैसे अपन ने सोचा कि यार ये 200-300 भी हुआ है तो अपन इनको डिलीट कर दो, अगर आपने वीडियो को डिलीट कर दिया तो आपके आप सोचो कि मेरे तो डिलीट हुए हैं, मगर नहीं, आपका इम्प्रेशन डिलीट हो जाता है। जब यूट्यूब ने 2-3 हज़ार लोगों के पास भेजा है तो भाई आपका चैनल इम्प्रेशन डाउन हो गया है, जिससे आपको सुधारने में बहुत दिक्कत आएगी और आप डाउन होने में बहुत अंतर आता है और आप उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाएगा। मगर आपको ये गलती नहीं करना कि आपको डिलीट करना है। कोई कोई क्या कहता है, दिन में 1-2 वीडियो डिलीट कर देते हैं तो ठीक है, मगर कोई कोई तो 3-4 वीडियो डिलीट कर देते हैं, जिससे कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है फिर करने। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। इन पॉइंटों पर जरूर ध्यान दीजिए तो आप जरूर आपके चैनल को अनफ्रिज कर सकते हो, और अनफ्रिज करने पर को जैसे नहीं अगर आपने नहीं किया तो आपका चैनल में बहुत आप सोचोगे इतनी दिन टाइम लग गया है, भाई व्यू नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आते, आप कोई भी ट्रिक लगा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस विषय में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके चैनल में फ्रिज हो चुका है और किसी के द्वारा नहीं है, यूट्यूब के द्वारा जो फ्रिज हुआ है, इसलिए आपको अपने आप इसको ठीक करना चाहिए, जिससे कि यूट्यूब समझ जाए कि इम्प्रेशन भेजें, नहीं तो यूट्यूब समझेगा कि इनका किसको इम्प्रेशन भेजें, किधर भेजें, तो मिक्स करने वाले भाई समझ नहीं पाता कि कहाँ भेजें, तो भाई आपका चैनल में 10-12 व्यू आकर रह जाते हैं और दिन पर दिन ऐसा ही होता जाएगा। कभी व्यू कम आ रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके चैनल पर 0 व्यू आएंगे। अभी से ध्यान दीजिए तो आपके चैनल अनफ्रिज हो सकता है। और यूट्यूब आपने टाइम पर वीडियो डालना बहुत जरूरी है, जैसे आपने 5 बजे वीडियो डालते हो तो आप 5 बजे वीडियो डालिए, अगर आपने आगे पीछे डाला तो आपको यूट्यूब नहीं भेजेगा, आगे इम्प्रेशन नहीं भेजेगा, और जो आपके सब्सक्राइबर है वह भी इंतजार करते हैं कि आपका वीडियो आएगा तो बस देखेंगे, अगर वह टाइम पर नहीं डालेंगे तो आपके वीडियो को वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कैसे देखेंगे, क्योंकि उनको वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी डल लिया है, मगर वो जब टाइम पर नहीं डलेगा तो वह नहीं देखेंगे, तो आपके व्यू भी कम आएंगे। और जैसे कभी ये अपने वीडियो पर क्या होता है, स्टैक आ जाती है, स्टैक आने से क्या होता है
कि आपको इम्प्रेशन कम हो जाता है और आपका कभी 7 दिन तक अपन ने वीडियो नहीं डाली उससे और अंतर आ जाता है। ये गलतियाँ ना होंगी तो आपका जीवन फ्रिज है वो अनफ्रिज हो जाएगा। ये तरीका अपना लेना तो आपका चैनल जरूर अनफ्रिज होगा और आप इनके ऐसे डालोगे आपका चैनल वीडियो लोकेट की तरह दौड़ेगा और बहुत जल्दी आपका इम्प्रेशन डाउन नहीं होएगा और बढ़ जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।